हेलो गाइस, अक्सर हम अपने डेली लाइफ में इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज करते हैं, जैसे वह जल्द ही डॉक्टर बनने वाला है, वे लोग जल्द ही इंजीनियर बनने वाले हैं, मैं जल्द ही टीचर बनने वाली हूँ, वे लोग जल्द ही बिजनेस मैन बनने वाले हैं। सो दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सो गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस सून टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मेरा हस्बैंड जल्द ही ऑफिसर बनने वाला है। माय हस्बैंड इज सून टू बी एन ऑफिसर। माय हस्बैंड इज सून टू बी एन ऑफिसर। वह जल्द ही इंजीनियर बनने वाला है। He is soon to be an engineer. He is soon to be an engineer. वे लोग जल्द ही बिजनेस मैन बनने वाले हैं। They are soon to be a businessman. They are soon to be a businessman. मैं जल्द ही टीचर बनने वाली हूँ। I am soon to be a teacher. I am soon to be a teacher. वे लोग जल्द ही डॉक्टर बनने वाले हैं। They are soon to be a doctor. They are soon to be a doctor. So guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले। थैंक यू।